तो चलो प्यारे बच्चों, ये गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। आई होप कि पिछले सारे लेक्चर और एप्लीकेशन देख लिए होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज की वजह से अब मैं फील्ड निकालने जा रहा हूँ, जो कि एक इनफाइनाइट थीन वायर हो सकता है, जैसे ये इन्फिनिटी को गया है, इस पर कुछ प्लस प्लस चार्ज हो सकते हैं इस टाइप से। और ये ध्यान रखना कि ये जो प्लस चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, समझ में आ गया? तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये वायर है, ये एक वायर है और इस पे एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है चार्ज, यूनिफॉर्मली। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, जैसे दिखाया हूँ 2D प्लेन में, ऐसे जाएंगी, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे होंगी। तो अब मुझे इस वायर से किसी डिस्टेंस पर, अगर मैं इस वायर के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस वायर के परपेंडिकुलर एक आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी है, यहाँ पर पॉइंट पी है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि डायरेक्शन इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगा, ठीक है? तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका दो दो डायग्राम इसलिए बनाया हूँ क्योंकि थोड़ा आपको बेहतर तरीके से फील आए, समझ में आए। ये एक इनफाइनाइट वायर है, देख रहे हो, यहाँ 3D डायग्राम है, ये इन्फिनिटी वायर है यहाँ से, और उस पर प्लस चार्ज है। तो ये जो सिलेंड्रिकल है, ये एक गॉसियन सरफेस है, एक गॉसियन गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना? ये इस गॉसियन सरफेस से मैं फ्लक्स निकालूंगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में सक्सेस हो जाऊंगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्री इसलिए बनाया हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है ना? तो चलो, तो यहाँ से अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, तो हमेशा याद रखो, गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, और गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है। तो ये जो सिलेंडर है इसको मैं यहाँ से ढक देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ये रहा मेरा क्लोज सरफेस, इसको मैंने क्लोज कर दिया, और मैं इसको इधर से भी क्लोज कर देता हूँ, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है? और ये चार्ज इसके अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर में इसके चार्ज हैं ये। तो इस गॉसियन सरफेस का जो है लेंथ मैं जो ले रहा हूँ, लेंथ इसका लेंथ मैं एल ले रहा हूँ, स्मॉल एल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है, ये एरिया, इसकी मैं एरिया ए ले रहा हूँ, और इसकी भी मैं एरिया ए ले रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये गॉसियन सिलेंडर के पास हमेशा ध्यान रखना तीन सरफेस होता है, देर आर 3 सरफेस इन सिलेंडर। ये दो सर्कुलर वाला, एक ये सर्कल वाला हो गया और एक ये सर्कल वाला हो गया, और ये एक हो गया कर्व्ड सरफेस, ये वाला। तो ये सिलेंडर के पास हमेशा तीन सरफेस होता है, एक ये सर्कल वाला, और एक ये ऊपर वाला जो 3D व्यू आप देख रहे हो, ये वाला है, और ये सर्कल वाला ये है, और ये सर्कल वाला ये वाला सरफेस है, ठीक है? तो अगर मैं तीनों से फ्लक्स निकाल के जोड़ दूंगा तो गॉस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है? तो चलो लगा देते हैं भाई। गॉस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखो, अगर ये यहाँ पर तुम देखोगे अच्छे से, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से डीप में बनाता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से थोड़ा सा समझ में आए। चलो, यहाँ पर देखोगे तो एरिया वेक्टर तो इधर है, ठीक है ना? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऊपर है। तो ये जो सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है, इसको मैं सरफेस फर्स्ट नाम देता हूँ। तो इसके लिए जो थीटा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, वो तो 90 डिग्री है। इसी तरह से ये वाला जो सर्कुलर सरफेस है, ये वाला सिलेंडर का, इसका तो देख रहे हो एरिया वेक्टर तो इधर आ रहा है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर टू द वायर है, इधर है। तो इसके लिए भी थीटा कितना है बोलो, 90 है। तो इसके लिए भी मैं ये जो सरफेस है, इस सरफेस का नाम मैं 2 देता हूँ। ये फर्स्ट सरफेस है मेरा, ये सेकेंड सरफेस है, और ये जो कर वाला है इसको मैं सरफेस 3 बोलता हूँ। तो जब कर सरफेस बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर है, और एरिया वेक्टर भी ऊपर है। तो इसके लिए थीटा कितना आया, 0 आया, समझ में आया? अब मैं बाई गॉस थ्योरम, गॉस का लॉ लगा दूँ, बाई गॉस या गॉस थ्योरम, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड, जितना भी चार्ज अंदर में आया है अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब अंदर में कितना चार्ज आया है प्यारे बच्चों, ये भी नहीं पता है, ठीक है? तो टोटल फ्लक्स का मतलब फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का, सेकेंड सरफेस का और थर्ड सरफेस का फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है?
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से, तो फर्स्ट वाले सरफेस का फ्लक्स देखोगे तो फाई वन की वैल्यू वो आ जाएगी ई ए कॉस थीटा होता है। तो फर्स्ट वाला सरफेस के लिए ई ए और कॉस 90, क्योंकि फर्स्ट वाला सरफेस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड 90 वाला, ये वाला सरफेस, ठीक है ना, फर्स्ट वाला सरफेस मेरा ये है। तो ये फ्लक्स फाई वन की वैल्यू आ गई 0। उसी तरह से फाई टू, तो फाई टू की जो वैल्यू है वो फाई टू की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला जो सरफेस है, दूसरा वाला जो सर्कुलर सरफेस है, इस पे भी आ जाएगा ई ए कॉस 90। तो इसका भी फ्लक्स कितना चला गया, 0, कॉस 90 0 होता है। तो दो सरफेस का तो फ्लक्स 0 चला गया, तीसरे का 0 नहीं होगा, क्योंकि तीसरे का 0 हो जाएगा तो सभी का 0 थोड़ी होगा भाई, तो नेट चार्ज 0 आ जाएगा उसके अंदर। तो तीसरे वाले सरफेस का अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो फाई थ्री इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, तो ये आ जाएगा ई ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए जो है एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है ये वाला जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, अगर देखोगे ये वाला जो सरफेस है कर्व सरफेस, इसको अगर खोलोगे तो एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा, ऐसे खोलोगे तो एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा जिसका लेंथ एल है, और ये वाली जो ए अगर इसकी रेडियस आर है, ये वाली इसकी रेडियस आर है, तो ये वाली जो एरिया, ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर होगा ये वाला लेंथ। तो इसकी जो एरिया, इस पूरे कर्व सरफेस की जो एरिया आ जाएगी वो आ जाएगी एल मल्टीप्लाइड बाई सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ये वाला, समझ रहे हो। तो ये अगर इस सिलेंडर का रेडियस आर है, तो इसको जब खोलोगे सिलेंडर को काट दोगे, तो एक रेक्टेंगल यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दोगे सिलेंडर को तो ऐसे प्लेन बनेगा। आई होप कि आपको पता होगा कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखोगे तो ई एरिया 2 पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल। अब ये इस गॉस थ्योरम को, अब ये है फ्लक्स फाई थ्री, अब पुट करोगे वैल्यू, आप पुट करोगे फाई वन फाई टू इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा 0 + 0 + e मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर में कितना चार्ज आएगा, देखो इस सिलेंडर का लेंथ कितना लिए थे, देखो इधर इस सिलेंडर का लेंथ हम लोग एल लिए थे, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो ये इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पढ़े हो गए आई होप, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको वैल्यू पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, तो इसके अंदर जो चार्ज आया होगा वो लैम्डा एल के इक्वल आया होगा अपॉन एप्सिलॉन। लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ से एक एल ने एक एल को ख़त्म कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ जाएगा कितना भाई, वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है ना। तो वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, मतलब जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से तुम देखोगे प्यारे बच्चों तो लैम्डा कॉन्स्टेंट है, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ई आर का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आएगा। आई होप कि ये सारी पॉइंट आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसके बाद अगर तुम देखोगे इसका ग्राफ बनाओगे तो ये अपना वायर था, ये इस पर कुछ प्लस चार्ज था ऐसे, इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये इन्फिनिटी तक ऐसे गया है, तो इस वायर के परपेंडिकुलर मूव करूँगा मैं, इधर जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो आर है पोजिशन वेक्टर वो भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, और मैं इस वायर से अगर इधर जुड़ जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर निगेटिव लूँगा और आर इसका निगेटिव लूँगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में वेक्टर के साइन एक जैसे मैं नहीं ले सकता यार। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रही है, या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 k लैम्डा ओवर आर भी इसको लिखा जाता है, या प्रोपोर्शनलिटी में देखोगे तो 1 अपॉन आर। तो
ये जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है ये वाला चीज़, ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, प्रोपोज़ ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब चार्ज से जब मैं दूर जाऊंगा, यहाँ पर देखना, चार्ज से अगर मैं दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर पैराबोलिक ऐसे घटेगा, घटते 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 जीरो आएगा यहाँ पे, यहाँ पर ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का कर्व आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो टेंड कर रहा है, जब आर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, और यहाँ पर इधर जाओगे तो इस कोऑर्डिनेट में ग्राफ आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जीरो टेंड कर रहा है जब आर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी के। तो आई होप कि बेहतर तरीके से ये पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से नोट बना लिए होगे प्रॉपर तरीके से, जिससे तुम्हें बेहतर तरीके से मैं फिजिक्स से समझा पाऊँ। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।